पुष्पकं विजयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्धं कारुकमिव वन्दनामृतोर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं विजयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं विजयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् देखिए जो युक्तियां, जो उपचार भारत के पास हैं, आज भारत की सभ्यता को पूरा विश्व अपना रहा है। आगे आने वाले भविष्य में वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो यज्ञ रूपी युक्ति भारत की सभ्यता और संस्कृति में विराजमान है और बरसों लाखों सालों से है, उसको हम लोग जो है साइंटिफिकली अपना रहे हैं और वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, ताकि जो वायरस मैं देख रहा हूँ चाइना से चल के पूरे विश्व को चपेट में ले रहा है, वो भारत को चपेट में ना ले पाए। हर घर में एक यज्ञ जरूर किया जाए ताकि वातावरण का शुद्धिकरण हो सके और यह वायरस किसी भी जनमानस को चपेट में ना ले सके। धन्यवाद। ॐ त्र्यम्बकं विजयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। पूरी दुनिया जो इस वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने तरीके से एक वैदिक प्रक्रिया को अपना रही है, उसी तरीके से इस देश के अंदर जो है एक सनातन धर्म के हिसाब से हम लोगों ने इस वैदिक प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया है और हम लोगों ने कोशिश की है कि इन मंत्रोच्चारण से हम लोगों के अंदर एक जागरूकता का भाव लाएं और लोगों को इस तरह मार्गदर्शित करें और इसे लड़ने के लिए प्रेरित करें। और जिस तरीके से ये वायरस आगे की ओर अपना कदम बढ़ाता जा रहा है और दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उससे जागरूकता लाने के लिए एक प्रयास हमारी तरफ से ये किया गया है जो मंत्रोच्चारण के माध्यम व इस हवन के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ एक सनातन धर्म की एक प्रक्रिया ये कहती है कि इससे जो है वातावरण में शुद्धिकरण होता है, वातावरण शांत और शुद्ध होता है और ये वायरस जो है वो वातावरण में ही फैलता है। तो इस प्रक्रिया को अपना के हम लोग एक तरीके से ये अपना संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म के इस संदेश को हम दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। ॐ त्र्यम्बकं विजयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं विजयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव।